तो स्वागत है वाले बिल्कुल न्यू फ्रेंड्स वीडियो में यार भाई लोग। तो आज आप लोग फिर से खेलने वाले ग्रैनी द लास्ट नाइट यार भाई लोग। तो फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था यार भाई लोग कैसे अपन लोग को यहाँ पे ग्रैनी ने मार दिया था, अपन लोग को एक की मिली थी एंड यहाँ पे अपन लोग फेल हो गए थे। तो अभी अपन लोग गेम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड एक ग्रैनी का एक फैन मेड गेम होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जी हाँ, तो चलो यार अभी मैंने सोचा कि इनको यहीं से कंटिन्यू किया जाए। बिकॉज मैं वीडियो को लेंथ लंबी नहीं कर सकता, मतलब मैं करना तो चाहता हूँ बट कर नहीं सकता क्योंकि यार मेरे पास उतना ज़्यादा डाटा सोर्स नहीं रहता। बिकॉज यार जितनी बड़ी वीडियो रहती है उतने ज़्यादा डाटा लगता है। तो चलो कोई ना, अभी अपन लोग गेम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं एंड आज अपन लोग ट्राई करेंगे कि गेम को फुल कंप्लीट कर ले, मतलब यहाँ से स्किप कर लें इस बेसमेंट से। ओके, तो अभी मेरे को एक की मिली थी एंड इस की से मेरे को क्रोबार मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ एक सेकंड, ये क्या है, ये लॉक है और यहाँ पे अपन लोग को कोड चाहिए। ठीक है, ओके, सेफ कोड चाहिए जहाँ भी मिलेगा वो मेरे को पता नहीं है। तो मेरे को क्रोबार तो मिल गया एंड क्रोबार से ये एक सेकंड, यहाँ पे प्लैंक लगे हैं तो इनको अपन लोग तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, क्रोबार से टूटते प्लैंक। तो चलो मैंने दोनों प्लैंक को तोड़ दिया एंड ओ भाई फाइनली शॉर्ट गन मिल गई, अब आएगा ना मजा। चलो पहले क्रोबार को ड्रॉप करो। चलो यार अभी फटाफट शॉर्ट गन उठाते, अब तो यार मैं गेम को आसानी से स्किप कर लूँगा बिकॉज अब ग्रैनी और वो सैलेंडी आपको शॉर्ट गन से टपकाऊंगा। चलो मतलब एक मिनट का अपन लोग को टाइम मिल जाता है, जैसे मैं ग्रैनी को मारूंगा ना तो एक मिनट मेरे पास रहेगा, मतलब वो बेहोश हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यार अब मजा आएगा गेम में। आ जाए ग्रैनी, कहाँ पर है, कहाँ है ग्रैनी? ओ सैलेंडिया, इसको टपकाऊंगा। ये आजा 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 आजा, ये भूतनी वाली आ गई। चलो और भाई सैलेंडिया बेबी इज परमानेंटली डेड, भाई सैलेंडिया तो परमानेंटली टपक गई। चलो ग्रैनी को टपका देते भाई, ये परमानेंटली नहीं टपकेगी मेरे को पता है। और ग्रैनी है कहाँ पर वैसे, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। ओहो ग्रैनी, आजा आजा, ये ले, ये देखो ये सिर्फ वन मिनट के लिए बेहोश हुई है। तो चलो यार मेरे पास वन मिनट है, तो सबसे पहले शॉर्ट गन को मैं लोड करके रख लेता हूँ, वहीं पे शॉर्ट गन को डार के आ जाता हूँ जहाँ से अपन लोग को ये शॉर्ट गन मिली थी, वहीं एमओ भी हैं। तो फिर एक मिनट के बाद फिर से उठाएंगे और फिर ग्रैनी को पेलेंगे भाई। अब अपन लोग को बस ग्रैनी से बचना है, सैलेंडिया तो परमानेंटली टपक गई। तो वेट, और अभी अपन लोग क्रोबार लेके चलते हैं बिकॉज यार एक जगह तो आप लोग को पता होगी जहाँ पे अपन लोग को किडनैप किया था ना, वहाँ पर भी दो तीन प्लैंक लगे थे। तो मतलब वहाँ पर भी एक सीक्रेट कमरा था, वहाँ पे देखेंगे क्या मिलता है अपने को। ओके यार एक क्रोबार उठ नहीं रहा है, चलो फाइनली क्रोबार को उठा लिया एंड शॉटगन को मैंने यहीं पर ड्रॉप कर दिया। अब आएगा काफ़ी ज़्यादा मजा यार, अब तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है बिकॉज यार अब अपने पास है ना क्रोबार, सॉरी शॉटगन, तो अब मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं आसानी से गेम कंप्लीट कर सकता हूँ। फर्स्ट मेरे को थोड़ी गलती वगैरह नहीं करनी छोटी मोटी एंड चलो यार फटाफट अपन लोग चलते हैं अपने कमरे में चलते हैं जहाँ पर अपन लोग किडनैप थे। एंड वेट यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है लिटरली और काफ़ी डिफिकल्ट गेम है। शॉर्ट गन जहाँ अपन लोग को हासिल हो जाती है ना फिर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एंड भाई अभी तो मैं ग्रैंड पाको भी नहीं लिया, मतलब कि मैं भवत पे नहीं किया हूँ, ओनली ग्रैनी के साथ स्किप कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ग्रैनी और सैलेंडिया है और सैलेंडिया नहीं ग्रैनी की दीदी कौन है उसका नाम मेरे को नहीं पता। एंड अभी मैं ग्रैंड पाको भी नहीं किया हूँ बिकॉज यार फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना क्या मैं इसमें हार्ड मोड में स्किप करूँ, तो भाई फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट करूंगा जरूर। लेकिन एक सेकंड, ये प्लैंक को क्या हो गया यार, ग्लिच है क्या भाई, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, मैंने तीनों प्लैंक को तोड़ दिया है। वेट यार इनमें, हाँ हाँ एक सेकंड यहाँ पे लात मार सकता हूँ, इसको लात मार सकता हूँ, यहाँ पे मैं किक कर सकता हूँ इनको, तो ये अंदर साइड चले जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। वेट भाई लिटरल यार इतना टाइम से ट्राई कर रहा हूँ बट अभी भी नहीं हुआ, क्रोबार को अंदर फेंको, अब कुछ होगा क्या? नहीं यार ये ग्लिच बहुत गंदा हो गया, एक दो बार और ट्राई करते यार फिर तो गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा यार। ओ फाइनली हट गए, चलो यार यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या? एंड वेट एक सेकंड, सामने एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स, इसमें क्रोबार चाहिए। ओके इसके अंदर कुछ तो है, क्रोबार को उठाते, चलो फटाफट मैंने क्रोबार को उठा लिया एंड वुडन बॉक्स को ओपन करो। एंड ओ इसके अंदर ई भाई, ये तो वो वाला रूम है ना, एक सेकंड सॉरी, ये मेरे को स्टेयरिंग व्हील मिला है, इसका यूज मेरे को पता है कहाँ पर होगा। अपन लोग को फर्स्ट एपिसोड में अपन लोग जिस रूम में एंट्री लिए थे ना, फर्स्ट बार उसी रूम में गया था मैं सबसे पहले, जब इस गेम को मैंने प्ले किया था ना तो पहले इसी रूम में मैंने एंट्री मारी थी। ओके एंड वहाँ पे देखो यहाँ पे लगेगा ये व्हील, चलो यार इस व्हील को लगाते हैं। बट समथिंग हैपन, इससे क्या हुआ, मतलब इस व्हील से हुआ क्या है ये तो। एक सेकंड, जहाँ पे अपन लोग स्टार्टिंग में थे, जहाँ पे अपन लोग की पकड़ के खड़े थे, आई थिंक वहाँ पे दो गेट लगे थे। वेट यार एक काम करते हैं ना, अपन लोग सारे गेट चेक कर लेते हैं, शायद कोई गेट ओपन हुआ हो। मैं क्रोबार लेके चलता हूँ, यहाँ पे टोटल चार नहीं पांच गेट हैं जिनमें लॉक लगे, तो शायद एक आधा गेट ओपन हो गया होगा इस व्हील से।
तो चलो, क्योंकि यार इस गेम में इसके अलावा और कुछ है नहीं कि व्हील से कुछ हुआ होगा। सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है मेरे को कि गेट ओपन हुए होंगे, बट 1 सेकंड 1 मिनट अपना कंप्लीट हो गया, अब ग्रैनी भी उठ गई होगी। भाई ग्रैनी से भी बचना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट चलते अपन लोग, सारे गेट को चेक करते चलेंगे जिसमें भी लॉक लगा है। एक आधा गेट तो ओपन हुआ होगा आई थिंक, मेरे को लग रहा है, क्योंकि यार इससे कुछ ना कुछ तो हुआ है, वहाँ पे लिखा भी था समथिंग हैपन। चलो एंड अब ग्रैनी भी उठ गई है। भाई ओ भाई ग्रैनी यहीं पर आ रही। भाई अब मैं गंदा फंस गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज अपने पास गन भी नहीं है। भाई मेरे को यहाँ पे छिपना पड़ेगा। हाँ यार ये बहुत बड़ा हॉल है, तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो दीवार है ना यहाँ पे देखो, ये टॉवर टाइप के हैं, इनका कवर ले लेता हूँ। हाँ चलो ग्रैनी आ गई, मैं थोड़ा यहाँ पे कट कर दिया हूँ, बिकॉज सर ग्रैनी को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। एंड चलो अभी ग्रैनी ने अपन लोग को देखा नहीं, मैं यहाँ पे जो खम्भे टाइप के थे ना यहाँ पे छुप गया था। एंड चलो यार यहाँ से फटाफट निकलते हैं। एंड चलो अभी अपन लोग गन को भी उठा लेंगे भाई, क्योंकि अब रिक्स नहीं लेना। बट अभी अपन लोग अपना पहला काम करते हैं। 1 सेकंड, ए वाला गेट तो अनलॉक नहीं हुआ है यहाँ पे, आप लोग देखो इसमें लॉक लगा है। एक गेट तो अनलॉक नहीं हुआ है यहाँ पे, टोटल 3-4 गेट है जिनमें लॉक लगा है, बट अभी एक को तो मैंने देख लिया है, वो तो अभी भी लॉक है। एंड अभी एक गेट और है। 1 सेकंड यार, ए वाला गेट भी अनलॉक नहीं हुआ, फिर कौन, ये दोनों गेट अनलॉक हो गए। देखो यहाँ पर कुछ मिलेगा आई थिंक मेरे को, वेट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, टेबल रखी है वहाँ पर, जाके देख लेते हैं। वेट एंड यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक नोट है, इसको पढ़ के देख लेते। बट भाई इसमें कोड मिल गया 1860, मेरे को लग रहा था ये नोटिस होगा, बट ये तो कोड निकला यार। चलो फटाफट चलते उस रूम में, भाई ग्रैनी भी आती होगी यहाँ पे। मैं फटाफट सबसे पहले इस कोड को डालता हूँ और उस वाले बॉक्स को खोलता हूँ, इस लॉकर को खोलता हूँ। इस वाले लॉकर में क्या है, 1860 कोड है। एंड इस लॉकर को ओपन किया है, इसमें कुछ मिला है मेरे को, की मिल गई भाई, बढ़िया है। कौन सी की है, स्पेशल की भाई, ये तो वहाँ पर लगेगी यार, जहाँ से अभी अपन लोग आए थे ना वहाँ पे एक गेट था। ग्रैनी को देखना पड़ेगा, बट ग्रैनी बस ना आए। एक ग्रैनी आ गई, मैं गया, अब बच गया यार मैं तो। बढ़िया बढ़िया टाइमिंग पे ग्रैनी आई, यहीं तो मेरे क्लोज में रूम है जिस रूम में अपनी गन पड़ी। चलो इसको उठा लिया मैंने और इसको रिलोड भी कर लेते, दोनों गोली रिलोड करते। आ जा ग्रैनी, अब इसको बताएंगे भाई। ग्रैनी जा रही, इसको पेल के तो आऊँगा भाई, इसको पेल के आऊँगा, ताकि एक मिनट के लिए अपन लोग को ये कुछ भी ना कर सके। पीछे से मारा है मैंने दोनों बार इसको। चलो ग्रैनी 1 मिनट के लिए बेहोश हो गई है। एंड अभी अपन लोग अपनी की को लेके चलते, गन को ड्रॉप कर देते, इसमें अभी एक एमओ पड़ा है। ओके इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। एंड फटाफट अपनी स्पेशल की उठाते हैं, एंड जस्ट सामने एक गेट है उसको खोलते और देखते उसमें कुछ मिलेगा आई थिंक। एंड चलो यार यहीं कहीं पे एक गेट है ना, हाँ ये देखो ये रहा, इसमें लगेगी स्पेशल की, ओपन करो। ओके ओपन कर दिया। एंड यहाँ पे कुछ भी, कुछ तो होगा यार, 1 सेकंड वेट। ये टेबल पे की पड़ी है और सिर्फ अब एक ही गेट रह गया है जहाँ पे अपन लोग अभी गए थे ना, जहाँ पे 2 गेट ओपन हुए थे, सिर्फ एक ही गेट है जो लॉक है। तो आई थिंक एक ही उसी में लगेगी वो, कौन सा एक ऐसा कोई भी गेट नहीं है जिसमें लॉक लगा हो, सिर्फ एक ही गेट बचा है जिसमें लॉक है। और ग्रैनी भी अपनी क्लोज ही है, मतलब जहाँ पे लॉक लगा है ना ग्रैनी भी यहीं पे, तो मेरे को यार बच के रहना पड़ेगा। एंड चलो आई थिंक मैं इसके पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज सिर्फ एक लास्ट गेट है और यहीं से आई थिंक स्केप होगा। हाँ फाइनली यार अपन लोग ने इस गेम को कंप्लीट कर लिया। वेट यार आई नीड अ क्रोबार अभी मेरे को। हाँ चलो यार क्रोबार भी तो यहीं पर है, अपन लोग को ग्रैनी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो चलो यार फाइनली गेम को कंप्लीट कर लिया, मेरे को इजी इसीलिए लगा ये वाला, मतलब कि जब से मेरे को गन मिली ना, जब से मेरे को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड में तो आप लोगों ने देखा था अपन लोग कितनी बार ग्रैनी से पिटे थे। चलो मतलब कि ज़्यादा बार तो नहीं पिटे थे, बस फेल हो गए थे। एंड फाइनली यार वालों को अपन लोग ने इस फैनमेड गेम को कंप्लीट कर लिया। एंड इसको डाउनलोड लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, लिंक मैं आपको रिप्लाई में सेंड कर दूंगा। एंड आज की वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सब लोग लाइक शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।